हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल। माई सेल्फ रोहित अग्रवाल, योर मैथ्स ट्यूटर। आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th का चैप्टर 6 दैट इज लाइंस एंड एंगल्स डिस्कस करने वाले हैं। इसके भी आज हम केवल जो आपका बेसिक पार्ट है दैट इज एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स जो आपके डिग्री के बेसिस पे होते हैं, और पेयर ऑफ एंगल्स में भी हम केवल आज के वीडियो लेक्चर में आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, जिससे हमारा कोई भी वीडियो अपलोड होते ही आपसे मिस आउट ना हो। अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं अपना बेसिक पार्ट एंगल क्या होता है। आप सबको पता है एंगल क्या होता है, पर फिर भी एक छोटा सा रिविजन कर लेते हैं कि हम एंगल कहते किसे हैं और उसकी हम नेमिंग किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ मैंने अपनी डेफिनेशन लिखी है। एंगल क्या होता है? एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। जब किसी सेम एंड पॉइंट से दो रेज आपकी जब ओरिजिनेट होती हैं तो वहाँ हमारा एंगल फॉर्म्ड होता है। ये उसकी कोई फिगर है। यहाँ पे भी आपकी दो रेज हैं, एक है BC और एक है BA। उन दोनों की हेल्प से हमारा एंगल फॉर्म हो रहा है। वो एंगल कौन सा है हमारा? ये यहाँ पे मैंने अभी डेफिनेशन में बताया एंगल का फॉर्म होता है जब हमारी वहाँ पे दो रेज होती हैं। यहाँ पे भी हमारी दो रेज हैं, एक है BC और सेकंड है हमारी BA। इनका सेम पॉइंट क्या है? B। इनकी हेल्प से हमारा ये यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है। ये जो पॉइंट होता है कॉमन पॉइंट, इसे हम कहते हैं वर्टेक्स। जहाँ पे आपकी दोनों रेज मीट कर रही होती हैं वो पॉइंट होता है आपका वर्टेक्स। और ये जो दोनों रेज हैं इन्हें हम कहते हैं आर्म्स। BC जो रे है और जो आपकी BA रे है वो कहलाती हैं आर्म्स ऑफ द एंगल। अब इस एंगल की जब हम नेमिंग की बात करते हैं या हम बात करें कि इस एंगल को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, तो उसके तीन तरीके हैं। पहला कि हम इसे लिख सकते हैं एंगल ABC। हमेशा ध्यान रखिए जहाँ पे भी आपका एंगल फॉर्म हो रहा है या जो आपकी कॉमन वर्टेक्स है वो हमेशा सेंटर में आएगी और कॉर्नर्स पे आपके जो दो पॉइंट्स हैं इसको आप एंगल CBA भी लिख सकते हैं। ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। सेंटर में हमेशा आपका जो कॉमन वर्टेक्स है वो आएगा और कॉर्नर्स पे आपकी जो दो आर्म्स हैं उनकी नेमिंग आएगी। इसको हम सिंपली एंगल B भी लिख सकते हैं या हम इसे कोई नेम देके, जैसे मैंने इसे कोई वन एंगल नेम दे दिया, तो मैं इसे एज सिंपली एंगल 1 भी डिनोट कर सकता हूँ। तो ये कुछ अलग तरह की डिनोटिंग है जिसकी हेल्प से हम अपने एंगल को डिनोट कर सकते हैं। हम इसे एंगल ABC भी लिख सकते हैं, एंगल CBA भी लिख सकते हैं, सिंपली एंगल B भी लिख सकते हैं, पर फिर भी हम रिकमेंड करते हैं कि इस वाली नेमिंग को हम ज़्यादा यूज़ ना करें, क्योंकि अभी जब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आएंगे मैं आगे आपको बताऊंगा, तो वहाँ पे अगर हम सिंपली एंगल B या एंगल A यूज़ करते हैं तो वहाँ पे क्या है आपको डाउट क्रिएट हो जाएगा कि हम किस एंगल की बात कर रहे हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। या हम उन्हें कुछ नेमिंग देके 1 या हम इसे कोई अल्फ़ाबेट भी लेबल दे सकते हैं X, तो हम इसे एंगल X भी डिनोट कर सकते हैं। अब हमारे चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एंगल्स। हमारे बेसिकली 5 टाइप के एंगल्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, कि उनका डिग्री में कितना मेजर है उसके बेसिस पे हमारे बेसिकली 5 टाइप के एंगल्स होते हैं। पहला एक्यूट एंगल, सेकंड राइट एंगल, थर्ड ऑब्ट्यूस एंगल, फोर्थ स्ट्रेट एंगल एंड द लास्ट रिफ्लेक्स एंगल। अब इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है? एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जिसका मेजरमेंट 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है, वो 90 के इक्वल नहीं होगा और 0 से आपका हमेशा ग्रेटर होगा। फिर सेकंड होता है आपका राइट एंगल जिसका एग्जैक्टली मेजर कितना होता है? 90 डिग्री, ना कम ना ज़्यादा, वो आपका एग्जैक्टली 90 डिग्री मेजर करता है, ऐसे एंगल को हम राइट एंगल कहते हैं। थर्ड आता है आपका ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल होता है जो आपका 90 से बड़ा होता है पर 180 डिग्री से आपका लेस होता है। उसकी शेप कुछ इस तरीके की आती है। यहाँ पे मैंने आपकी जो शेप्स हैं उन जनरल एंगल्स की वो भी यहाँ पे स्पेसिफाई करी हैं जिससे आप अच्छे से रिलेट कर पाएँ। तो ऑब्ट्यूस एंगल होता है जो आपका 90 से बड़ा होता है और 180 डिग्री से लेस होता है। फोर्थ है आपका स्ट्रेट एंगल। राइट एंगल की तरह, जैसे राइट एंगल क्या होता है? एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है। स्ट्रेट एंगल होता है आपका एग्जैक्टली 180 डिग्री, ना आपका इससे कम होगा ना ही इससे एक्सीड करेगा, ये आपका एग्जैक्टली 180 डिग्री मेजर करता है। लास्ट होता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। इसका मेजर होता है आपका 180 डिग्री से लार्ज,
बट लेस देन 360 डिग्री, ये आपका इस रेंज में लाई करता है। मतलब आपकी कोई भी वैल्यू जैसे कोई 200 डिग्री है या 240 डिग्री है या आपका 315 डिग्री है, तो वो आपके किसके अंदर आएंगे, रिफ्लेक्स एंगल के। उसकी जो शेप्स हैं वो कुछ इस तरीके की हो सकती है। ये मैंने एंगल मेजरमेंट दिखाया है आपका, यहाँ पे जो जेड एंगल है दोनों फिगर्स में, ये कोई भी पॉसिबल फिगर हो सकती है रिफ्लेक्स एंगल की, तो दोनों फिगर्स मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई करी हैं। और इसका मेजर कितना होता है, 180 डिग्री से लार्ज बट लेस देन 360 डिग्री। अब हम पढ़ते हैं कि हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इन दोनों एंगल्स में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे हमेशा दो एंगल्स की बात हो रही होगी। जो हम राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम एक एंगल लेते हैं एक बारी में, वन एंगल एट अ टाइम की हम बात वहाँ कर रहे होते हैं। पर जब भी हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स या सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे पेयर ऑफ एंगल्स की बात होगी। पेयर का मतलब हमेशा आपके टू एंगल्स होंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। टू एंगल्स आर सेट टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 90 डिग्री। कोई भी ऐसे दो एंगल्स जिनका सम आपका एग्जैक्टली 90 डिग्री आए, उन्हें आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कह सकते हैं। उसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, इसका एक एग्जाम्पल आपका हो सकता है 40 डिग्री एंड 50 डिग्री, क्योंकि जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 90 डिग्री। तो इस पेयर ऑफ एंगल को हम क्या कह सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर कह सकते हैं। इसी तरीके से कोई एंगल का पेयर है आपका 15 डिग्री और 75 डिग्री, वो भी आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर है, क्योंकि यहाँ पे इनका सम भी आपका क्या आ रहा है, इक्वल टू 90 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम हमेशा क्या आएगा, इक्वल टू 90 डिग्री। इसी तरीके से हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, बस एक छोटा सा चेंज होता है, वहाँ भी जब हम बात करेंगे तो हमारे टू एंगल्स की बात होगी। टू एंगल्स आर सेट टू बी सप्लीमेंट्री इफ़ द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 180 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री में जब हम बात कर रहे थे तो वहाँ सम क्या था, 90 डिग्री, पर जब भी हम सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करेंगे तो वहाँ आपका सम क्या होगा, 180 डिग्री। पिछले केस की तरह यहाँ पे भी हमेशा आपके दो ही एंगल्स होंगे, ना दो से ज़्यादा होंगे ना ही दो से कम होंगे। अब इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, इसका एग्जाम्पल हो सकता है आपका 100 डिग्री एंड 80 डिग्री, क्योंकि इनका सम क्या आएगा, 180 डिग्री, तो वो क्या है, आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर है। इसी तरीके से कोई आपका 120 डिग्री एंड 60 डिग्री, ये भी आपका क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर है। इस तरीके से आपके बहुत सारे पेयर हो सकते हैं। जनरल आप डेफिनेशन पे फोकस करिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, दो एंगल्स जिनका सम आपका हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे दो एंगल्स होते हैं जिनका सम आपका हमेशा इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अब अगले सेक्शन में हम आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स जो आपके पेपर और बुक में प्रेजेंट हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया था, हम कुछ न्यूमेरिकल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर बेस्ड आपके सॉल्व करने वाले हैं। उसमें ही हमारा पहला क्वेश्चन है, द टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 13:5। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं और उनका हमें रेशियो गिवन है 13:5। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें रेशियो गिवन है, हमें पता है अपनी बेसिक क्लासेस में हम पढ़ के आए हैं, जब भी हमें रेशियो गिवन होता है तो हम वहाँ पे अपने क्वेश्चंस, अपने एंगल्स को क्या लेट कर लेंगे, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द एंगल्स बी 13x एंड 5x। जब भी हमें रेशियो गिवन होता है किसी भी चीज़ का, तो वहाँ पे हम इस तरीके से अपने जो भी चीज़ हमें, जिसकी बात चल रही है, यहाँ पे एंगल्स की बात हो रही है तो एंगल्स, किसी और चीज़ की बात कर रहे होते तो हम उसे इस तरीके से लेट कर लेते हैं। यहाँ पे आपका रेशियो 13:5 था, तो हमने अपने एंगल्स लेट कर लिए 13x एंड 5x। अगर रेशियो कुछ और गिवन होगा तो हम उस तरीके से यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, हमारी मेन हाईलाइट क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अभी मैंने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिनका सम क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि ये जो हमारे दोनों एंगल्स हमने लेट करे हैं, इनका सम क्या होगा, इक्वल टू 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्या है, एक पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो हम लिख सकते हैं दैट 13x प्लस 5x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री,
क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स गिवन था, तो इसलिए हमने इक्वल टू 90 डिग्री करा। अगर सपोज यहाँ पे आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स गिवन होता तो हम इक्वल टू में आपका 180 पुट करते, एंगल्स आपके यही लेट होते। अब इसको सॉल्व करते हैं, 13x प्लस 5x क्या हो जाएगा आपका 18x इक्वल्स टू 90 डिग्री विच गिव्स एक्स इक्वल्स टू 5। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स। अब हमारे एंगल्स क्या है, 13x और 5x, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारे एंगल्स क्या हो जाएंगे, जो हमारा पहला एंगल है वो हो जाएगा 13 into 5, दैट इज इक्वल्स टू 65 डिग्री, और जो हमारा सेकेंड एंगल है 5x, दैट इज 5 into 5 इज इक्वल्स टू 25 डिग्री। आप इनका सम करके भी चेक कर सकते हैं कि ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दैट इज इसका सम आपका 90 डिग्री आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर ये 90 डिग्री नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कोई मिस्टेक जरूर करी है, क्योंकि यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स गिवन है, तो इसलिए आपके जो रिजल्ट है उसका सम हमेशा इक्वल टू 90 डिग्री जरूर आना चाहिए। यहाँ पे भी आप चेक कर लेते हैं, 5 प्लस 5 10, 6 प्लस 2 8, 8 और आपका 1 कैरी 90, तो यहाँ पे हमारा सम 90 डिग्री आ रहा है, तो इसलिए जो हमने आंसर निकाला है वो क्या है आपका, बिल्कुल करेक्ट है। अब ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये भी आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ही ऊपर बेस्ड है, पर ये बिल्कुल ही क्या है, पिछले एग्जांपल से आपका डिफरेंट है। पहले रीड आउट करते हैं क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है। इफ़ एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन 1/2 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स। अब यहाँ पे हमें कोई रेशियो गिवन नहीं है, तो पिछले क्वेश्चन से तो आपका डिफरेंट हो गया, पर यहाँ पे भी क्या वर्ड आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब यहाँ पे भी आपकी किसकी बात हो रही है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात हो रही है। अब जब भी इस तरीके के क्वेश्चन है तो वहाँ पे हम अपने एंगल्स को क्या लेट करेंगे, हमें पता है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम क्या होता है, 90 डिग्री, तो वहाँ पे हम अपने एक एंगल को लेट करेंगे x, और हमारा सेकेंड एंगल हो जाएगा 90 - x। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आए जहाँ पे आपको कोई रेशियो गिविन नहीं है या आप डायरेक्ट कोई एंगल अपना लेट नहीं कर सकते, तो वहाँ पे आप अपने एंगल्स लेट करेंगे एक्स और 90 - x, अगर वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है। अगर सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात होगी तो हम 180 - x लेट करेंगे। अब हम अपने क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज को हम उसे ब्रेक करेंगे और वहाँ से एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमें कहा गया है इफ़ एन एंगल इज़, तो वो एंगल हमारा हो गया x, इसका मतलब आपका इक्वल टू 30 डिग्री मोर देन का मतलब होता है आपका प्लस 1/2 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। अब x का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 90 - x, तो इसका क्या करेंगे हम, हाफ कर देंगे 90 - x। ये हमें जो एक स्टेटमेंट गिवन था हमने उसे मैथमेटिकली ब्रेक कर लिया है। यहाँ पे हमें गिवन था इफ़ एन एंगल इज, तो वो एंगल हमारा हो गया x, इसका मतलब आपका इक्वल टू 30 मोर देन का मतलब 30 प्लस 1/2 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो अगर आपका एंगल x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 90 - x, तो इसलिए हमने 90 - x को हाफ से डिवाइड कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए ये हो गया हमारा 30, ये हाफ के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 45 - x/2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स अपॉन टू इक्वल्स टू 75। इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा आपका 3x/2 इक्वल्स टू 75। और इसको हम फर्दर आपका सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू 75 × 2/3, और हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 75 × 2 = 150, 150 / 3 = 50 डिग्री। यहाँ पे आपसे पूछा गया फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स, तो आपका जो एंगल था वो क्या है, 50 डिग्री, और जो इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस एंगल इक्वल्स टू 90 - x विच इज इक्वल्स टू 90 - 50 विच कम्स आउट टू बी 40 डिग्री। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपली हमें वर्ड टू वर्ड चलना है और अपने वर्ड्स को ब्रेक करना है एक स्टेटमेंट की फॉर्म में। ये हमारा मेन स्टेटमेंट है, सिंपली हमने कुछ नहीं करा है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे हमें कोई रेशियो गिवन नहीं था, तो सबसे पहले हमने अपने एंगल को लेट करा x, उस एंगल का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 90 - x।
अब यहाँ पे हमें क्या है, एंगल इज, तो x इक्वल्स टू 30 मोर देन का मतलब 30 प्लस वन ऑफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। फिर सिंपली हमने उसे सॉल्व करके हमें जो रिक्वायर्ड एंगल्स थे वो फाइंड आउट कर लिए हैं और हमारा आंसर क्या है, 50 डिग्री एंड 40 डिग्री। सो आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज, इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 2/3 ऑफ इटसेल्फ, डिटरमाइन द एंगल एंड इट्स सप्लीमेंट। अभी तक जो हमने क्वेश्चन डिस्कस करे थे वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर बेस्ड थे। ये जो क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे आपका वर्ड आ गया है सप्लीमेंट, तो यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन आपका क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर बेस्ड है। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, दो एंगल्स जिनका सम आपका क्या होता है, 180 डिग्री। अब क्वेश्चन रीड आउट करते हैं एक बार फिर से। इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 2/3 ऑफ इटसेल्फ, डिटरमाइन द एंगल एंड इट्स सप्लीमेंट। तो सबसे पहले जो हमारा ये एंगल है, लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स डिग्री, ठीक है। हमने जो अपना जो रिक्वायर्ड एंगल है उसे अपना एक्स मान लिया है। अब इस एंगल का सप्लीमेंट कितना होगा, सप्लीमेंट ऑफ दिस एंगल क्या होगा, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था जब हमने कॉम्प्लीमेंट की बात करी थी तो वहां क्या आया था, 90 माइनस एक्स। जब सप्लीमेंट की बात करेंगे तो बस 90 की जगह क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो सप्लीमेंट क्या हो जाएगा इस एंगल का, 180 माइनस एक्स। ये हमारी दो चीज़ें जो हमें लेट करनी थी वो हमने लेट कर ली हैं। सबसे पहले जो रिक्वायर्ड एंगल था उसे हमने एक्स मान लिया है, फिर जब हमने उसे एक्स लेट करा है तो ऑब्वियस ही बात है जो उसका सप्लीमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, 180 माइनस एक्स। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, सप्लीमेंट क्या है हमारा, 180 माइनस एक्स। इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज, इसका मतलब अगेन आपका इक्वल टू 2/3 ऑफ इटसेल्फ, तो 2/3 ऑफ इटसेल्फ का मतलब आपका जो ओरिजिनल एंगल है। सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, सप्लीमेंट ऑफ एंगल क्या है, 180 माइनस एक्स, तो उसकी जगह हमने 180 माइनस एक्स रखा। इसकी जगह आपका इक्वल टू 2/3 ऑफ इटसेल्फ, तो 2/3 का मतलब होता है 2/3, ऑफ का मतलब आपका मल्टीप्लाई, ऑफ इटसेल्फ का एक्स आ जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं या आपके एक्स को उधर मूव कर देते हैं, कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं आप। तो ये हो जाएगा 180 इक्वल्स टू 2x/3 प्लस एक्स। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5x/3 और x इक्वल्स टू 180 इंटू 3/5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 108 डिग्री। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एंगल था उसकी वैल्यू क्या आई है, 108 डिग्री आई है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या क्या गया है, डिटरमाइन द एंगल एंड इट्स सप्लीमेंट, हमसे सप्लीमेंट भी पूछा गया है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल हो गया है। अब सप्लीमेंट क्या होगा, सप्लीमेंट ऑफ दिस एंगल क्या है हमारा, 180 माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू 180 माइनस 108 विच इज इक्वल्स टू 72 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन इस पर कोई भी नहीं आता है। बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनका सम आपका 180 डिग्री होता है। इस क्वेश्चन में हमसे कहा क्या गया था, जो सप्लीमेंट है उस एंगल का इज इक्वल टू 2/3 ऑफ इटसेल्फ है। तो सबसे पहले हमने अपने रिक्वायर्ड एंगल को एक्स माना, फिर हमारा सप्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा वहाँ से, 180 डिग्री माइनस एक्स। फिर हमने सिंपली जो हमें स्टेटमेंट गिवन था उसे ब्रेक करा और सिंपली बहुत इजी कैलकुलेशन से उसे सॉल्व करके जो भी हमें दोनों चीज़ पूछी गई थी, दैट इज़ द रिक्वायर्ड एंगल एंड इट्स सप्लीमेंट, वो हमने फाइंड आउट कर ली है। और वो हमारे क्या क्या आए हैं, 108 डिग्री एंड 72 डिग्री। सो आज की वीडियो का हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल। हमें एक एंगल का मेजर फाइंड आउट करना है, इफ़ 6 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट इस 12 डिग्री लेस देन ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट। यहाँ पे आपके दोनों की ही बात हो रही है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात हो रही है और सप्लीमेंट्री एंगल की बात हो रही है। और हमें क्या करना है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल। तो सबसे पहले हम जो अपना लेट है वो लेट कर लेते हैं, लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी, या जिस क्वेश्चन जिस एंगल का हमसे मेजर पूछा गया है वो हमने क्या लेट करा, बी एक्स डिग्री। सबसे पहले जो हमारी बेसिक चीज़ है,
हम अपना मैथ्स का कोई भी जनरल क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए अपना वेरिएबल किसी एक टर्म को असाइन करते हैं, तो वो हमने असाइन कर दिया है, जो हमसे मेजर पूछा गया था एक एंगल का उसे हमने एक्स मान लिया है। अब हमें पता है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री दोनों एंगल्स की बात हो रही है, तो हम यहाँ से इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी फाइंड आउट कर लेते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल भी फाइंड आउट कर लेते हैं। अब अगर हमारा एंगल एक्स है तो इसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स, और इसी एंगल का आपका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स। ये तो हो गई आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। हमने क्वेश्चन पढ़ा, वहाँ पे हमसे पूछा गया था फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, तो सबसे पहले उस एंगल को हमने एक्सलेट कर लिया, फिर हमने क्वेश्चन आगे रीड आउट करा तो हमने देखा वहाँ पे आपकी कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री दोनों एंगल्स की बात हो रही है, तो इसलिए मैंने इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो क्या होगा 90 डिग्री माइनस एक्स वो भी फाइंड आउट कर लिया है, और इसका सप्लीमेंट्री एंगल वो क्या होगा 180 माइनस एक्स वो भी फाइंड आउट कर लिया है। अब अगेन अपने क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं, उसमें क्या कहा गया है, इफ सिक्स टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, सिक्स टाइम्स का मतलब सिक्स इन टू, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिक्स टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो सिक्स इंटू इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है 90 माइनस एक्स इज, इसका मतलब अगेन आपका इक्वल टू 12 डिग्री लेस देन ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट, तो ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट होगा आपका 2 इंटू 180 माइनस एक्स, और 12 लेस देन मीन्स माइनस 12। एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पे हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने अपना एंगल एक्सलेट करा, वहाँ से आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 90 माइनस एक्स, उसका सप्लीमेंट्री एंगल होगा 180 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन में हमें कहा गया है सिक्स टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो हमने ये करा सिक्स इंटू इट्स कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब अगेन आपका इक्वल टू 12 लेस देन ट्वाइस इट्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसके सप्लीमेंट को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे भी क्या है 12 लेस है, तो इसलिए हमने माइनस 12 बाद में लगाया है, तो और क्या करा है सप्लीमेंट्री एंगल को ट्वाइस से मल्टीप्लाई करा है, तो ये हमें जो स्टेटमेंट गिवन था उसे हमने ब्रेक कर लिया है। अब सिंपली इसे सॉल्व करेंगे और अपनी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 540 माइनस 6x इक्वल्स टू 360 माइनस 2x माइनस 12। आपकी x की टर्म सारी एक तरफ ले जाते हैं और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको एक साइड मूव कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 540 माइनस 360 प्लस 12 इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 6x। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा आपका 4x, इसको सॉल्व करेंगे तो 54 में से आपका 36 जाएगा, ये आपका बचेगा 180, 180 प्लस 12 हो जाएगा आपका 192, और यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू 192 अपॉन 4 विच इज इक्वल्स टू 4 4 16, 32 मीन्स 48। तो जो आपका रिक्वायर्ड एंगल था वो क्या आया है 48 डिग्री। यहाँ पे क्वेश्चन में फिर देख लीजिए फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, उसका यहाँ पे हमसे कॉम्प्लीमेंट या सप्लीमेंट नहीं पूछा गया है, तो इसलिए हम जो ये वैल्यू है 90 माइनस एक्स और 180 माइनस एक्स को फाइंड आउट नहीं करेंगे, यहाँ पे हमसे केवल जो ओरिजिनल एंगल है वो पूछा गया है, तो इसलिए हम क्वेश्चन में केवल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और वो ही हमारा बस आंसर हो जाएगा, हम 90 माइनस एक्स और 180 माइनस एक्स को सॉल्व नहीं करेंगे। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, we will be right back with a new video, और उस वीडियो में हम इस चैप्टर के आगे के टॉपिक्स दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आपका डिस्कस करेंगे। एक यहाँ पे हमने आपके लिए होम असाइनमेंट प्रिपेयर करा है जिसमें आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इनको ट्राई करिएगा जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन हो जाए। अगर आपको किसी भी टॉपिक या किसी भी क्वेश्चन में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। Till then, what you have to do is to like our video, subscribe our channel, and stay safe and stay connected to Blueprint Digital.